प्रदेश में शिक्षा की दयनीय स्थिति एवं नवादा और औरंगाबाद जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए बिहार सरकार के भूमि का आवंटन नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन पर हैं। राजधानी पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता समर्थन के लिए पहुंचे थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं जाने से एक बार फिर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत जरूर दिए हैं। दूसरी ओर कुशवाहा के अनशन पर NDA में शामिल BJP और JDU ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अनशन पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अनशन को बताया बेवजह करार दिया है और उन पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जब काम करना था तब किए नहीं और अब टाइम पास कर रहे हैं। अनशन खत्म करवाने के लिए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका अनशन ही गलत है, मैं भला क्यों जाऊंगा अनशन तोड़वाने, कोई बात थी तो मिलकर करना चाहिए था। वहीं BJP के सांसद डॉक्टर CP ठाकुर ने कुशवाहा के धरने पर कहा कि उन्हें शिक्षा सुधार को लेकर धरने पर बैठने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कुछ दिन पहले वह हमारे साथ जब थे और वे खुद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर ठाकुर ने उपेंद्र कुशवाहा के NDA में वापस आने के सवाल पर कहा कि वह पहले हमारे साथ थे, अब उन्हें NDA में वापसी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, इतना जरूरी है कि पहले NDA के हिस्सा थे। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, नियोजित शिक्षकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में इस सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी हो गया है। Next9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।